दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप योनो के माध्यम से क्विक ट्रांसफर कैसे करेंगे। आपको इमरजेंसी पैसे भेजना है तो आप बिना बेनिफिशियरी ऐड के ही पैसा भेज पाएंगे। वो कितना भेजेंगे और कैसे भेजेंगे आप देखेंगे। योनो पे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना। आप योनो खोलेंगे, इसके बाद यहाँ नया पेज आया बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट का ऑप्शन मत यूज करना, इसका वीडियो मैंने पहले बनाया है। यहाँ पर देखेंगे क्विक ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिमिट भी है 25,000 लिमिट शो हो रही है। दोस्तों अभी हम इसमें क्लिक करेंगे, क्विक ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर देखेंगे दो बैंक है, यानी कि एक SBI की बैंक और अदर बैंक का ऑप्शन आ रहा है। हम अभी क्या करते हैं, SBI अकाउंट पे पैसा भेजेंगे। अगर अदर बैंक है जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और जो भी अन्य बैंकें हैं, आप अदर बैंक का ऑप्शन यूज करें। अभी हम SBI का ऑप्शन जो है उसमें यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले जिसको आपको पैसा भेजना है उसका नाम, अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, इसके बाद IFSC कोड और अमाउंट। नीचे जाके एक ऑप्शन और आएगा सिलेक्ट ए पर्पस, वहाँ भी क्लिक कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम डिटेल भरते हैं। हमने डिटेल भर दिया है, अब हम इंटर अमाउंट के ऑप्शन का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको पैसा भर देना कितना डालना है। चलिए हम वो भी कर देते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट ए पर्पस आ रहा है, यहाँ पर आपको पर्पस भर देना है। मैं ट्रांसफर टू फैमिली और फ्रेंड के ऑप्शन का यूज करने वाला हूँ, वैसे आप अपने हिसाब से और भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप इसको ओके करने के बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट के ऑप्शन का हम यूज करेंगे और नया पेज खुल जाएगा। वहाँ पर आपको कंफर्म करना है क्या डिटेल सही है या गलत है, इसके बाद फिर आप नेक्स्ट कर दें। हमने नेक्स्ट कर दिया है। अब आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आप OTP जैसे ही आपके मोबाइल पे आएगा आप उसमें भर देना। फिर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट के ऑप्शन का क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पैसा सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों आप बताओ कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आई। दोस्तों इतना आसान तरीका मैंने बताया था किस तरीके से आप पैसा भेज सकते हैं क्विक ट्रांसफर का, ये था पूरा प्रोसेस। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे या एक बार फिर से हम वीडियो बना देंगे। लेकिन आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो योनो चलाते हैं, जिनसे पता चले क्विक ट्रांसफर कैसे करना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए हम काम करते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।